हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एम आई लाइव बच्चों? पार्टी एम आई लाइव? लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास बच्चों. स्टार्ट करेंगे है ना. हमारा आज का मेंटी क्विज भी इंटरेस्टिंग होने वाला है. कल के जो क्वेश्चन थे उसका एक्सटेंशन होगा बच्चों आज का मेंटी क्विज, है ना. तो आई गेस आई एम लाइव एंड लेट अस स्टार्ट आवर वंडरफुल मेंटी क्विज. हुआ क्या लाइव? एम आई लाइव बच्चों पार्टी? चलो भाई, आई एम लाइव. सबको आवाज आ रही ना बच्चों? मेरी आवाज आ रही है ना? स्टार्ट करेंगे. जस्ट अ सेकेंड ना बच्चों. हाँ, मैं क्विज का कोड भेजता हूँ बेटा. फ्रीज हो गया यार. जस्ट अ सेकेंड ना बच्चों. चलो भाई स्टार्ट करेंगे. बच्चों कोड लिख लो. बच्चों कोड लिख लो. कोड फोर फोर फाइव नाइन टू थ्री फाइव एट. दिस इज मेंटी कोड. दिस इज मेंटी कोड बच्चों. दिस इज मेंटी कोड बच्चों. लिख लिया बच्चों मेंटी कोड. जस्ट अ सेकेंड है बच्चों. लिख लिया बच्चों मेंटी कोड. लिख लिया सब लोगों ने? एवरीबडी ज्वाइन? चलो स्टार्ट करते बच्चों. फिर अगर ज्वाइन कर लिया स्टार्ट करते बच्चों. चलो फटाफट कम ऑन लेट अस स्टार्ट. स्टार्ट करते बच्चों. पांच बच्चे आ चुके हैं, बाकी बच्चे किधर है यार? कम ऑन, दो बच्चे और है. ज्वाइन कर लो बच्चों फटाफट. कोड है 4459 2358, है ना. 4459 2358. लेको मैं एक मिनट वापस बता देता हूं आप लोगों को. ये आपका कोड है बच्चों. हाँ रुकाओ बेटा, रुकाओ बेटा, रुकाओ. आज मुझे नहीं चाहिए किसी का भी मिस हो. आज आई डोंट वांट किसी का भी मिस हो बच्चों, क्योंकि लास्ट टाइम दो तीन बच्चे थोड़े लेट आए थे, है ना. तो आज नहीं चाहिए कि बाबा किसी का मिस हो, ठीक है. आई डोंट वांट एनीबडी शुड मिस एनीथिंग, है ना. जल्दी लिख लो बेटा. जल्दी लिखो बच्चों.
चलो कर दिया बच्चों, इज एवरीवन डन नाउ, इज एवरीवन डन नाउ। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आई थिंक इतने ही बच्चे आने वाले आज, तो स्टार्ट करते हैं। रक्षाबंधन मना रहे बच्चे लगता है। चलो स्टार्ट करेंगे बच्चों। ईस्ट बिलोंग्स टू, ईस्ट किस में बिलोंग करता है, सोच समझ के करना बच्चों। ईस्ट बिलोंग्स टू, जिन्होंने भी थैलोफाइटा किया है, वेरी नाइस बेटा, आंसर थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा के दो सब डिविजन है बच्चों, आपको मैं रिवाइज भी कराते चलूंगा। थैलोफाइटा के दो सब डिविजन है, याद करो बच्चों, थैलोफाइटा के दो सब डिविजन है, एक तो एल्गे और एक तो फंगा है। एल्गे में क्या क्या आता है बच्चों, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, अल्वा, सर्गासम। याद करने का टेक्निक, अस्क्वेयर। और फंगाई में क्या आता है बच्चों, ईस्ट एंड मोल्ड। अच्छा जानकारी की बात यह बच्चों, ए फॉर एल्गे, ए फॉर ऑटोट्रॉपिक, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं बच्चों, इनके पास क्लोरोफिल होता है, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। तो इनको क्यों डालते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ मैच करती है, तो किधर नहीं तो इधर ही डाल देते हैं इनको कि भाई मजे कर, तू भी मजे कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डू यू वॉन्ट डिस्कशन और नॉट इन द क्वेश्चन, आपको डिस्कशन चाहिए कि नहीं चाहिए क्वेश्चन में, आई थिंक डिस्कशन करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा बेटा। हाँ सुनिष्का, व्रूम, अरहम, रोशनी, वेरी गुड, पूजा एंड मयूर, कोई बात नहीं बेटा, कोई टेंशन नहीं है, है ना, आप लोग अच्छी तरह से कर लोगे आई एम श्योर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े बच्चों। रूम मैंने नहीं लिखा बेटा, रूम अपने आप से हुआ है, वो रूम अपने आप से हुआ है बेटा, मैंने चेंज नहीं किया है, मैं नहीं चेंज कर सकता बेटा नाम किसी का भी, मैंने नहीं किया बेटा। आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चेंज नहीं कर सकता बेटा, मैं एडिट करने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू डिविजन थैलोफाइटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू थैलोफाइटा, बच्चों आराम से करो, सोच के घाई मत किया करो, आप लोग घाई क्यों कर रहे हो बच्चों। चलो बढ़िया, तो निष्का ने, व्रूम ने, व्रूम का नाम मैं कैसे चेंज करूं बेटा, मैं आई कैन नॉट चेंज द नेम। चलो पूजा है ना, सब लोग वेरी गुड, मयूर, वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू थैलोफाइटा, बराबर ना,
चलो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन को तो आंसर आपको डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा। हाँ बेटा विशाल, समझा बेटा मेरे को, बट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? आई कैन नॉट चेंज इट, राइट? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन, डायन, जूल। सो आंसर है न्यूटन बच्चों, न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। इनफैक्ट आपको सभी एसआई यूनिट पता होनी चाहिए बेटा, है ना? आपको लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ मैं तो। अरम, वेरी गुड बेटा, क्या बात है, अरम बाजी मार रहा है आज तो, क्या बात है। निष्का, वेरी गुड। अरम, वेरी नाइस। रूम, हाँ रूम मतलब ऋतुजा, मैं याद रहेगा मेरे को। ऋतुजा, रोशनी, बोटी, मैकबोट, फेस, मयूर एंड पूजा। तो बच्चों आपको सबको ऐसा यूनिट बताना चाहिए आपको। मुझे मुझे चैट बॉक्स में बताते चलो, चलो मुझे चैट बॉक्स में बताते चलो, मुझे चैट बॉक्स में बताते चलो बच्चों। मुझे बताओ ऐसा यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर, उसका सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर। सेम डिस्प्लेसमेंट का भी, स्पीड का, वेलोसिटी का, ये एग्जाम में आते हैं बच्चों। स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। एंड सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, सीजीएस यूनिट डायन, मोमेंटम का केजी मीटर पर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट। क्लियर बच्चों? आगे बढ़े तो ये कुछ कुछ बेसिक यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। हाँ फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन फंगाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंगाई? इनमें से कौन सा फंगाई है बच्चों? इनमें से कौन सा फंगाई है? ईस्ट तो है ही, मोल्ड भी है। बोथ ऑफ द अबाव राइट आंसर था बच्चों, बोथ ऑफ द अबाव राइट आंसर था, याद करो बच्चों। बोथ ऑफ द अबाव राइट आंसर था बच्चों। आई थिंक ऋतु, निष्का ने भी घाई कर ली, अरम ने भी घाई कर ली, ब्रूम ने भी घाई कर ली, लेकिन रोशनी ने काफी स्मार्टली प्ले किया बच्चों ये, है ना? रोशनी ने काफी स्मार्टली प्ले किया, याद करो बच्चों ने आपको पढ़ाया था। तुम्हारा जो थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटा में एल्गी भी होगा और फंगाई भी होगा। फंगे में, फंगाई में ईस्ट भी होगा एंड मोल्ड भी होगा, याद करो। तो दोनों भी फंगाई है। नहीं गुप्ता, क्या बात है। यस ऋतुजा बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2 kg एंड द फोर्स इज 6 न्यूटन, द एक्सेलरेशन क्या होगा? क्वेश्चन को रीड करो ध्यान से। मास 2 kg है और फोर्स 6 न्यूटन है, 9 न्यूटन है, फोर्स इज 9 न्यूटन, द एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों?
तो तीन लोग चले गए। अरे इंसान ने राइड किया बच्चों, ये वाला ऐसा क्यों? बाप रे, मयूर ने राइड किया ही है। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज एफ इक्वल टू एम इनटू ए? फोर्स आपको मैंने 9 न्यूटन ने दिया था, और मैंने वो क्या दिया था क्वेश्चन में? गिवन क्या था क्वेश्चन में? गिवन क्या था? मास 2 kg है, आपको एक्सेलरेशन ढूंढना है। देखो 9/2 इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए विल बी इक्वल टू 9/2। 9/2 कितना होगा? 4.5 होगा ना, है ना? राइट बच्चों, राइट और नॉट? वेरी गुड मयूर, बराबर। बहुत सारे बच्चों को नहीं आया वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? वेलोसिटी स्केलर नहीं होती, वेलोसिटी बच्चों वेक्टर है। तो लिस्ट बना देते, चलो लिस्ट बना देते वापस। कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, मुझे बताओ, मुझे बताओ। स्केलर कौन सी क्वांटिटीज है आपके सिलेबस में जो अब तक अपन ने पढ़ा है, उसमें क्या क्या स्केलर है बच्चों बताओ? कौन सी क्वांटिटी स्केलर है अपने सिलेबस में अभी तक अपन ने पढ़ा है तब तक? चैट बॉक्स में बताओ। डिस्टेंस है, स्पीड है, वर्क है, एनर्जी है, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर कौन सी है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है, इस सब के सब वेक्टर है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है, याद रहेगा बच्चों? याद रहेगा बच्चों? निष्का किधर चली गई? निष्का वेर आर यू? निष्का किधर चले गए आप? रक्षाबंधन मनाने चले गए? हाँ, रक्षाबंधन मनाने चले गए बेटा? अरे सर, अरे सर, अरे सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग? आंसर है बच्चों क्लॉस्ट्रिडियम. आंसर इज क्लॉस्ट्रिडियम. क्लॉस्ट्रिडियम इज रिस्पॉन्सिबल फूड पॉइजनिंग. याद करो जिस दिन तुमने बाहर खाना खाया था तुम्हारा पेट खराब हुआ था, दैट इज बिकॉज ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम. अच्छा बिफोर वी गो अहेड बच्चों, निष्का चली गई लगता है. बिफोर वी गो अहेड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट एन अकेडमी द प्लेटफॉर्म. पता है अनअकैडमी पे आप कभी होमवर्क में कभी अटक जाओ, आपको कभी कुछ प्रॉब्लम हो होमवर्क में, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपके टीचर किसी कारणवश आंसर नहीं दे पा रहे आपको, कुछ भी रीजन के जैसे एक्स वाई जेड आपको इंस्टेंटेनियसली चाहिए इसका सोल्यूशन क्या है, तो अनअकैडमी पे आप डाउट पूछ सकते हो. आपको पता है आस्क अ डाउट, आपको पता है कि नहीं पता बच्चों, अनअकैडमी पे आप डाउट पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी डाउट किधर से भी कैसा भी, कोई भी डाउट कैसा भी किधर कितना भी आप अनअकैडमी पे पूछ सकते हो बच्चों. आपको पता है कि नहीं पता है, पता है कि नहीं पता है आपको, कितना भी कैसा भी डाउट आप अनअकैडमी पे पूछ सकते हो. जैसे आपको करना क्या है, आपको आस्क अ डाउट, आप ऐप पे जाओ, ऐप पे देखो आस्क अ डाउट, वहां पर आप पिक्चर ले लो है ना, टेक अ पिक्चर, क्लिक एंड सिलेक्ट अ पिक्चर ऑफ योर क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चन है उसका खींच लो, मतलब एक क्लियर इमेज खींचना बेचारा टीचर, बेचारे डाउट सॉल्विंग टीचर होती है ना उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो आप थोड़ा सा अच्छे से क्लियर पिक्चर खींचना, तो बेचारे वो सोचते रह जाएंगे है ना. तो क्रॉप कर लो क्वेश्चन को और बता दो मैथ्स का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा, एंड सिट टाइट, यू विल रिसीव द सोल्यूशन सून है ना. तो ये चीज़ें आपको पता थी क्या, ये चीज़ के नहीं मालूम, ये पूछते हो कितने लोगों ने ट्राई किया है फीचर यूज़ करने का, कितने लोगों ने फीचर यूज़ करने का ट्राई किया है. अनअकैडमी हैज़ ब्रॉट सो मेनी फीचर्स टू यू ऑल बच्चों है ना. आपको पता है प्लस के बच्चों का, ऑब्वियसली प्लस क्लास तो आपको पता ही होगी अब तक. तो देखो अनअकैडमी पर जब आप जाते हो बच्चों, जब अनअकैडमी पर जाते हो आप, तो अनअकैडमी पर आपको पता है प्लस क्लासेस भी चलती है. जैसे मोर एग्जांपल मेरा है कोर्स, कंप्लीट कोर्स ऑन साइंस, यहाँ पर स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाई होती है बेटा है ना, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, डाउट सॉल्विंग, पार्ट फोर, लॉज ऑफ मोशन. देखो कोई भी मैं क्लास रैंडम क्लास ओपन करके देखता हूँ तुम्हारे लिए, चलो एक रैंडम क्लास ओपन करता हूँ मैं आप लोगों के लिए. बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, ये देखो कैसे हैं मेरे बच्चे. ये देखो इस तरह से बच्चों पीपीटीज होती है और हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, पोल्स एंड क्विज तो होते ही है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होती है बेटा, सिस्टमेटिक लर्निंग होती है स्टेप बाय स्टेप. और अगर आपने कुछ मिस किया तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, मतलब हर एक चैप्टर का प्रॉपर वीडियोस होते हैं, मतलब प्रॉपर लाइव क्लासेस होती है बेटा है ना. अब ये पार्ट थ्री है ना, तो यहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से आप देखोगे बच्चों, स्ट्रक्चर तरीके से क्लासेस होंगे. बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी माइनस, ये देखो इस तरह से बच्चों क्वेश्चंस वगैरह हम सॉल्व करा रहे होते हैं. बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, बच्चे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बच्चे यहाँ पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है बेटा है ना. ऐसे एक कोर्स नहीं, बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारे टीचर्स के है ना. तो यहाँ प्रीव्यू देख सकते हो मेरा कोर्स डिटेल्स. हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग, हाउ इज एवरीवन. सो मार्शल मोक्षित मेहता बच्चों, आई बी टीचिंग यू लाइव ऑन एन अकेडमी. हमारा जो कोर्स है बच्चों ये वाला राइट, जो जुलाई महीने में चलने वाला है पूरा का पूरा, वहाँ पर हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे. आपको नोट्स भी मिल जाएंगे पीडीएफ में. रेगुलरली टाइम पे आपको आ जाना है बच्चों. बहुत सारे टीचर्स अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको पढ़ाने वाले हैं. मेन बात इस कोर्स की होगी कि मैं आपको क्लास में ही लर्निंग करा दूंगा, ठीक है. तो आपको क्लास में आना है, सिर्फ लर्निंग में आपको क्लास में करा दूंगा. आपको बस एक ही चीज़ करनी है बच्चों, टाइम टू टाइम बेसिस पर रिविजन करना है, टाइम टू टाइम बेसिस पर लेक्चर्स को प्रॉपर तरीके से अटेंड करना है. अगर आप ये सब कर लो बच्चों, तो मैं आपको बताता हूँ आप 40 on 40 या जो भी मार्क्स आप स्कोर करने वाले हो, आपके यूनिट टेस्ट हो, सेमेस्टर हो, कोई भी हो,
एटलीस्ट मेरे साइड से बच्चों तो मैं आपको कंफर्मेशन दे सकता हूँ कि द टॉप टीचर्स विल बी टीचिंग यू ऑल राइट एंड ऑल द टीचर्स विल गिव देयर 100% फॉर यू ऑल एंड द मेन थिंग बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होने वाली है कि आपको बियॉन्ड सिलेबस के बियॉन्ड जो नॉलेज होता है एक टॉपिक का एक कॉन्सेप्ट का वो मिलने वाला है तो आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल। तो इस तरह से बच्चों एक गारंटी और एक प्रॉमिस होता है बच्चों प्लस क्लास में कि भाई आप आ रहे हो तो आपको फायदा डेफिनेटली मिलेगा है ना, आप आ रहे हो तो आपको फायदा डेफिनेटली मिलेगा बेटा है ना। मतलब ऐसा नहीं कि बस बोल दिया हमने और कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, हम प्लस क्लासेस में बहुत मेहनत करते हैं बच्चों क्योंकि आप पे करके आ रहे हो बच्चों, ऐसा नहीं है, है ना। एक अमाउंट एक स्मॉल अमाउंट आप जो भी स्मॉल अमाउंट है बट आप पे करके आ रहे हो है ना, तो रियली मीन्स अ लॉट टू अस कि यू आर ट्रस्टिंग अस है ना। तो हम बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेते बच्चों, हम लाइव लेक्चर्स अनलिमिटेड कोर्सेज टॉप एजुकेटर्स टेस्ट सीरीज वगैरह पता बहुत कुछ है बच्चों बहुत कुछ है ना। प्रथम बैच में देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, जय मेहता सर पढ़ा रहे हैं, अजय चौहान सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, प्रयास बैच में तेजल परब मैम पढ़ा रही है, योगेश सोनावाने सर पढ़ा रहे हैं है ना मराठी में, और सक्षम बैच में प्रशांत जोशी तिवारी प्रशांत सर वगैरह पढ़ा रहे हैं आपको है ना सब है ना। अल्फा बैच में सुगफ्ता जयपुरी मैम जिनका टीचिंग वो खुद को पर्सनली बहुत पसंद है बेटा, आराधना गुप्ता मैडम माल्या रस्तोगी मैडम मतलब सब पढ़ा रहे हैं, तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स है बेटा, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मैथ्स के भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स है बेटा है ना। मतलब और अनअकैडमी की अगर आप प्लस क्लास में नहीं तो स्पेशल क्लासेस का फील लो पहले, वहाँ पर पोल होते हैं डिस्कशंस होते हैं क्विज होते हैं है ना। ज्वाइन करने के लिए करना आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है बच्चों, अनअकैडमी इंस्टॉल करना है, गेट स्टार्टेड करना है, मोबाइल नंबर डाल करके वेरीफाई करना है आपको आपका अकाउंट है ना, और आप जो भी कैटेगरी में हो सिलेक्ट क्लास 6 to 12 कॉम्पिटेटिव एग्जाम सबको सिलेक्ट नहीं करनी, 6 to 12 सिलेक्ट करना है और SSC क्लास 9 जो भी है ना, एंड सिलेक्ट योर प्रिफर्ड लैंग्वेज जो भी आपकी लैंग्वेज हो आप देख लो बच्चों। 30 मिनट्स के टेस्ट होते हैं बेटा, 12 बजे को आपका एक टेस्ट है अटेंड करना, फिर 1 बजे मेरा एक और यूट्यूब पे सेशन है वो अटेंड करना हाँ टेस्ट के बाद ठीक है। अगर 12, 15, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है तो 2 महीने आपको फ्री मिल जाएगा, 24, 36, 48 मंथ्स का लेते हो तो आपको 4 महीने फ्री मिल जाएगा। मतलब ये जो है आपको ऑफर हमारे साइड से हम देते हैं है ना बच्चों कि बच्चों आप इन्जॉय कर पाओ, एंड मेरा कोड यूज़ करना बच्चा MMSIRLIVE कोड यूज करना है बच्चों MMSIRLIVE। ऑल्सो बच्चों सब्सक्रिप्शन रेट्स आर वेरी 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 मिनिमल, अगर आप देखोगे बच्चों दे वेरी वेरी मिनिमल, आपको मैं दिखाऊं सब्सक्रिप्शन रेट्स तो बहुत मिनिमल है बच्चों, मतलब कोई भी अफोर्ड होपफुली कर पाए बच्चों है ना। आई एम नॉट क्लेमिंग के आई कैन अंडरस्टैंड सडन पीपल हैव प्रॉब्लम्स दैट इज ओके, बट अगर आप ट्यूशन में जा रहे हो है ना कहीं पे आप क्लासेस वगैरह लगा रहे हो तो आपको इतनी कम कॉस्ट में तो नहीं मिलेगा बेटा, वो भी अच्छे टीचर्स इतने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है ना, पोल क्विज जो रहता है टीचर से आप बात कर सकते हो डिस्कशन कर सकते हो है ना। मेरे लेक्चर में तो प्लस के लेक्चर में मेक श्योर कि बच्चे जो भी मुझे पूछ रहा है कोई भी बच्चा हम सब मतलब आप देखो यार 12 महीने का 12,000 मतलब इसमें भी अगर MMSIRLIVE कोड यूज़ करोगे बच्चों, इसमें भी अगर आप MMSIRLIVE कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे अभी कमेंट सेक्शन पे जो चैट में मुझे देख रहे हैं है ना जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना बच्चों कोड मेरा यूज़ कर लेना है ना, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा मेरे साइड से ओके। सो दैट इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू गिव बैक टू यू है ना, 10% ऑफ आपको मिल जाएगा और भी मेरा कोड यूज़ करने पे है ना। तो विद दैट पॉजिटिव नोट बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों 8th question
बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी? सभी ने राइट किया, क्या बात है बच्चों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, आज तो रोशनी छा गई है भाई। यस ऋतुजा, यस ऋतुजा। सो आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते। निष्का जी भी आ चुकी है, कंपटीशन अब बढ़ जाएगा। एथलीट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा, बट अब मैंने आपको क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? वो 400 मीटर रन करता है 20 सेकंड के अंदर, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? बच्चे चिल्ली तो चले गए वो। हाँ भाई, टाइम है, टाइम है, टेंशन मत हो, टाइम इज, टाइम इज देयर। आंसर आएगा जीरो बच्चों, क्यों जीरो आएगा, जीरो क्यों आएगा? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? तो वो एथलीट जैसे स्टार्ट किया था वहां पर आकर रुक गया वो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा और टाइम 20 था ना, वॉट एवर, तो जीरो आ जाएगा ना, जीरो आ जाएगा। तो आंसर है बच्चों जीरो। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ने कल भी दिया था मैंने, लेकिन कल क्वेश्चन ही स्किप हो गया था गलती से, गलती से क्वेश्चन ने कल स्किप हो गया था, गलती से क्वेश्चन कल स्किप हो गया था, मैंने वापस डाल दिया है आज। कल ये क्वेश्चन गलती से स्किप हो गया था बच्चों, कल ये क्वेश्चन गलती से स्किप हो गया था। तो आज मैंने सोचा आपको दे देता हूँ, ये इसको सॉल्व करना है बच्चों, ऐसे मत करना प्लीज, इसको थोड़ा सॉल्व करके बताना, कल थोड़ा स्किप हो गया था ये क्वेश्चन। करो बेटा, ये दो तीन क्वेश्चन जो स्किप हो गए थे मैंने वापस डाल दिया, सो दैट आपका वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया इनकेस तो आपको आना चाहिए। बच्चों सेप्टेम्बर महीने से मैं नए चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा बेटा, उसके मेंटी क्विज होंगे, फिर ये चैप्टर के भी होंगे बट उन चैप्टर के ज्यादा होंगे थोड़े से।
हो गया बच्चों, हो गया बच्चों, क्या बात है, अरे हमने पूरी जगह आगे बढ़ा ली है, क्या बात है, वेरी नाइस। बाकी बच्चे जो टॉप पे, वेरी नाइस, आगे बढ़ते बच्चों, बढ़िया बढ़िया बच्चों, करते चलो करते चलो। ये नया क्वेश्चन है, कल कल थोड़ा अलग दिया था, आज थोड़ा अलग उसको मैंने चेंज कर दे दिया बच्चों, है ना। तो करो भाई, क्या आएगा, बच्चों क्लियर है, एवरीवन कम ऑन करो बच्चों, फटाफट 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 फटाफट। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, 15 अपॉन 15 आंसर आ जाएगा 1 बच्चों, है ना। क्या कैसे करेंगे बच्चों इसको, कैसे करेंगे बच्चों इसको, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बच्चों, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन बच्चों कम ऑन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी बच्चों। तो ए क्या हो जाएगा, वी कितना है 15 है, माइनस 0 अपॉन 15, तो ए विल बी इक्वल टू 15 अपॉन 15, तो ए विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट जी। रॉन्ग पोल कैसे बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इनिशियली वो रेस्ट पे था ऑब्जेक्ट, इनिशियली रेस्ट पे था, तो यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वी माइनस यू अपॉन टी, वी कितना है 15, यू कितना है 0, एंड टाइम कितना 15, तो 15 अपॉन 15 दिस इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर। रॉन्ग कैसे हुआ बेटा, ओ इट्स ओके रोस्ट बेटा, दुखी मत हो बेटा, दुखी नहीं होने का, नेक्स्ट टाइम वापस अच्छे से करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुखी मत हो बेटा, दुखी दुखी मत हो यार, इट्स ओके बेटा, आगे मौके आएंगे ना और बहुत सारे। क्या बात है अरम, वेरी नाइस अरम, अच्छा कंपटीशन दे रहा है आज, क्या बात है। बाकी बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, रोशनी वेरी गुड बेटा, आई एम रियली रियली हैप्पी, रोशनी बहुत अच्छा कर रही है, बोटी बहुत अच्छा कर रहा है। ये क्वेश्चन करो बेटा, स्टैटिक ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ड्यू टू, mechanism of firing of rocket is due to, mechanism of firing of rocket is due to, Newton's third law बच्चों, आपको ने बताया था, ये repeat question हो गया बेटा आप लोगों के लिए। क्या अरे बाबा रोशनी, वेरी नाइस वेरी नाइस,
कोटी मैक बोट फेस व्रूम कम ऑन व्रूम व्रूम करो व्रूम करके आगे बढ़ो बेटा। 15 क्वेश्चन कॉलेज एमपी ये मैं हर क्वेश्चन हर बार पूछता हूँ क्वेश्चन में क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों ये हर एग्जाम में आता है। डैश इज द एमपी ऑफ प्लांट किंगडम बच्चे फिर भी गलत करते हैं इसको। Onion is an example of चलो बढ़िया बच्चों मोनोकॉट बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे बहुत बढ़िया बच्चा बहुत बढ़िया बच्चों बहुत बढ़िया कमॉन बच्चों जोश में कमॉन बच्चों जोश में एकदम कमॉन बच्चों बच्चों कमॉन चलो भाई 17 क्वेश्चन Who gave five kingdom classification? चलो भाई बढ़िया बढ़िया बच्चों अब लीडर बोर्ड देख लेते हैं एक बार चलो लेट अस लुक एट ए लीडर बोर्ड कौन आगे है बोटी मैकबोर्ड फेस कौन है बेटा ये बोटी मैकबोर्ड फेस कौन है इसका नाम ऐसा क्यों है बेटा रोशनी वेरी गुड अरम वेरी गुड मयूर पूजा व्रुम 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 इसका वेरी गुड हाँ ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते बच्चों लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम डैश आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर द एंटायर इकोसिस्टम वेरी गुड बच्चों वेरी गुड सही है जी बहुत सही बहुत हार्ड वेरी नाइस बच्चों वेरी नाइस बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा
कर लिया बच्चों। करो बच्चों, आगे करो बच्चों। करो आगे बच्चों। ट्वेंटीएथ क्वेश्चन, ट्वेंटीएथ क्वेश्चन बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 21st क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज अ डिविजन अंडर फेनरोग्राम। करो बच्चों इसको, पानी भर के आया जस्ट। चलो भाई बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर टुगेदर कॉल्ड एज। क्या बोलते हैं इनको, चलो भाई बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छे बेटा आरंभ आज अच्छा खेले हो पूजा, वेरी नाइस रोशनी,
ब्यूटीफुल मयूर ब्यूटीफुल एंड बोटी मैकबोट बफ वेरी नाइस बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नाम क्या है बेटा? बोटी मैकबोट फेस, आपका रियल नेम क्या है बेटा? केजी मीटर पर सेकंड इज यूनिट ऑफ, ये वाला क्वेश्चन भी देख लो बेटा सबजन, फोर्स वर्क मोमेंटम. केजी मीटर पर सेकंड इज यूनिट ऑफ, लैक्टोबैसिलस इज इंस्टिट्यूटेड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ट्रू ऑफ फॉल्स? लैक्टोबैसिलस इज इंस्टिट्यूटेड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ट्रू ऑफ फॉल्स? लैक्टोबैसिलस इज इंस्टिट्यूटेड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ट्रू ऑफ फॉल्स? आंसर ट्रू है बच्चों, लैक्टोबैसिलस इज अ प्रोबायोटिक, इट इज इंस्टिट्यूटेड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट डेफिनेटली. The SI rate of distances, meter, kilometer, centimeter, क्या है? चलो भाई बढ़िया, कौन जीता आज, विजेता कौन है आज का, आज का विजेता कौन है भाई? बीस हजार पॉइंट्स है बोटी मैकबोट फेस, बट आपका नाम तो बोल दो एक बार, शाउट आउट दे देते आपको, नाम बोल दो आपका एक बार. वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा किया बेटा, बाकी सबने भी बहुत अच्छा किया बेटा, डोंट फील बैड, ओके? यू ऑल डिड वेरी 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 वेल, आई एम सो हैप्पी फॉर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, आपने सबने बहुत अच्छा किया बेटा, है ना? टू गुड मैन, टू गुड, बहुत अच्छे. क्विज बड़ा ईजी था, मजा आ गया, बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में बेटा, आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे बेटा, ऐसे ही कुछ आएंगे. आरम वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, चल थैंक यू बच्चों, थैंक यू. और अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म देख लेना बच्चों एक बार आप लोग, है ना, आप लोग भी एक्सप्लोर कर लेना, अलग अलग चीज़ है. स्पेशल क्लासेस पर तो अटेंड कर लेना बच्चों, आज मेरी स्पेशल क्लास चालू की 4 बजे, 4 बजे भी एक है, 6 बजे भी एक है, अटेंड करना, बहुत मजा आएगा. रोशनी बेटा वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे,